अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, क्या तुम यहाँ से वाइनवुड हटाकर अपना नेम लिखना चाहते हो? अगर हाँ, तो आज मैं तुमको बिल्कुल इजी वे में ये सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपना नेम, यूट्यूब चैनल का नेम एंड इवन कि अगर आपकी जीएफ है तो उसका भी नेम लिख सकते हो। सॉरी यार अगर तुम्हें बुरा लगा तो, बाकी हाँ, आई एम जस्ट मजाकिंग, सो डोंट गेट इट सीरियस। ओके, तो दोस्तों अगर अभी इंस्टॉल करना चाहते हो इस मोड को, तो यार सबसे पहले हमें अपने इस मोड को डाउनलोड करना होगा। तो आप ऐसा करो, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक तुमको मिल जाएगा, सिंपली उसे ओपन करो। यहाँ पर तुम्हारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, इसे डाउनलोड पर क्लिक करना। फिर से डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो ये अपना मोड डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों हमने अपना मोड डाउनलोड कर लिया है, अभी जल्दी से हम अपने गेम में इसको इंस्टॉल करते हैं। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि सिंपली अपने इस मोड को विनरार सॉफ्टवेयर की मदद से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पर तुम देख सकते हो मैंने अपना ये मोड एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अभी सिंपली हम अपना ओपन आईवी ओपन कर लेंगे, जिससे ओपन आईवी भी ओपन हो जाएगा। तो इसमें एडेड मोड को हमने इनेबल कर लेना है। यहाँ पर मैं F6 बटन प्रेस करके एडिट मोड को मैंने इनेबल कर लिया है। अभी सिंपली हम ऐसा करेंगे, अपना एक्सट्रैक्ट किया हुआ फोल्डर ओपन करेंगे। यहाँ पर आपने थोड़ा ध्यान करना है, यहाँ पर आपने उस फोल्डर में चले जाना है जिसमें मीन्स के जितने भी डेटर्स तुम्हारे नेम में है ना, उसी फोल्डर में चले जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा नेम अजान है, मीन्स के चार लेटर हैं इसमें, तो तुमने 4 साइन वाले में चले जाना है। अगर तुम्हारे नेम में 5 लेटर्स हैं तो उसमें चले जाना है। 6 लेटर्स हैं तो उसमें फोल्डर में, 7 लेटर्स हैं तो 7 वाला फोल्डर भी यहाँ पर मौजूद है, एंड 8 लेटर है तो 8 वाले फोल्डर में चले जाना है। मुझे ये 8 लेटर्स वाला चाहिए, तो मैं सिंपली 8 साइंस वाले में चले जाऊँगा। इसके बाद मेन फाइल्स में जाना है, देन यहाँ से सबसे पहले हमने सेकंड वाला जो फाइल है ना विदाउट वाइनवुड, इसको यहाँ से ड्रैग करके अपने ओपन आईवी में ड्रॉप कर लेना है। सिंपली यहाँ पर हम इंस्टॉल पर क्लिक करके मोड्स फोल्डर, देन कन्फर्म इंस्टॉलेशन पर क्लिक करके थोड़ी देर वेट करेंगे, जिससे अपना ये जो मोड है ना ऑटोमेटिकली अपने GTFP में इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर आप इस मोड को इंस्टॉल करके इस वाइन मोड को हटा सकते हो, लेकिन वो अपने नेम नहीं आएंगे, तो इनके लिए ऐसा करना ये इंस्टॉल हो जाए, इसके बाद में तुम्हें सिखाता हूँ। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर अपना ये जो मोड है कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है, तो इसको सिंपली हम क्लोज कर लेंगे। यहाँ पर हम अपना जो फर्स्ट फाइल है ना A to Z अल्फाबेट्स, इसको सिंपली ड्रैग करके अपने ओपन में ड्रॉप कर ले रहे हैं। अभी यहाँ पर सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक करके मोड्स फोल्डर, देन कन्फर्म इंस्टॉलेशन पर क्लिक करके यहाँ पर भी थोड़ी देर वेट करेंगे, तो ये अपना ऑटोमेटिकली मोड अपनी GTFP में इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद हम अपनी गेम में अपने नेम लिखते हैं। ऑल राइट, तो दोस्तों ये भी अपना मोड इंस्टॉल हो चुका है, तो सिंपली इसको हमने क्लोज करके अपने ओपन आईवी को भी क्लोज करके सिंपली अपनी GTFF गेम को ओपन कर लेना है। ओके, तो दोस्तों गेम ओपन हो जाए तो सिंपली हम यहाँ पर अपने इस लोकेशन पर आ जाना है। तुम यहाँ पर देख ही सकते हो मैं भी इस लोकेशन पर आ चुका हूँ। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर तुम देख ही सकते हो ये जो अपना वाइन मोड है ना बिल्कुल खत्म हो चुका है, कुछ भी यहाँ पर तुम्हें नहीं दिखेगा। अभी सिंपली आपने ऐसा करना है कि F8 बटन प्रेस करके मैं मेन्यू ट्रेनर ओपन कर लेना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट स्पूनर में जाकर स्पूनर मोड में चले जाना है। यहाँ पर तुमने ऐसा करना है कि सिंपली F बटन प्रेस कर लेना है। अभी आपने स्पॉन एंटिटी इनटू वर्ल्ड में जाने के बाद ऑब्जेक्ट में जाना है। इसके बाद इनपुट मॉडल लास्ट में होगा, यहाँ पर तुमने इसमें इंटर करके जो भी तुम्हें अल्फाबेट चाहिए वो लिख देना है। जैसे मुझे G चाहिए तो मैं GG लिख कर इंटर करूँगा, तो ये G वाला लेटर जो है ना स्पॉन हो जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पर तुम सिंपली माउस की मदद से इसे जहाँ पर लगाना चाहो वो लगा सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पर GTA लिखना है, तब मैं पहले G लगा देता हूँ यहाँ से, तब मैं इससे ना अपनी मर्जी के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो। सिंपली ऐसा करना है कि राइट क्लिक करके लास्ट में मैनुअल प्लेसमेंट में चले जाना है। इसके बाद यहाँ से तुम Z एक्सिस में, Y एक्सिस में या X एक्सिस में जहाँ पर तुम मूव करना चाहो वहाँ से तुम मूव कर सकते हो। अभी यार मैं जल्दी से इस G को यहाँ पर सही से एडजस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद तुम्हें दूसरे जो अल्फाबेट है ना वो कैसे स्पॉन करते हैं। ओके, तो दोस्तों मैं दूसरे अल्फाबेट स्पॉन करना सिखाता हूँ। सिंपली F बटन प्रेस करके स्पॉन इंटरनेट वर्ल्ड में चले जाना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट में जाकर बिल्कुल लास्ट में इनपुट मॉडल में जाना है, देन यहाँ पर तुम जो भी अल्फाबेट चाहो उसको सिंपली डबल टैप कर लेना है। जैसे मुझे T चाहिए तो मैंने 2 टाइम्स T लिख लिया है। अभी सिंपली इंटर करेंगे तो ये अपने सामने
टी वाला अल्फाबेट भी स्पॉन हो जाएगा। सॉरी यार, मैंने ना दो बार टी वाला स्पॉन कर दिया है, तो अभी एक को मैं ऐसा करता हूँ राइट के सॉरी यहाँ पर मूव करके इसे डिलीट बटन से डिलीट कर देता हूँ। एंड अभी जो अपना ये फर्स्ट वाला टी है ना, इसको सही से मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर मैंने टी वी लगा दिया है, अभी मुझे ए चाहिए। मैं ना GTA इंडिया लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सेम तरीके से यहाँ पर डबल टाइम ए प्रेस करूँगा, तो ये ए भी अपना आ जाएगा। जल्दी से यहाँ पर ए लगा देता हूँ, इसके बाद इंडिया देख कर मैं तुम्हें जल्दी से दिखा देता हूँ। ऑल राइट, तो गाइज यहाँ पर मैंने अपना GTA इंडिया लिख लिया है। तुम अपना नेम भी लिख सकते हो, किसी का भी नेम लिख सकते हो। अभी ना दोस्तों, हम अपने इस GTA इंडिया को या तुमने जो भी नेम लिखा है उसे सेव कर लेते हैं, वरना होगा ये कि अगर हम ना अपने गेम को रीस्टार्ट करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, तो हमने सेव कर लेना है इसे। इसके लिए दोस्तों सिंपली हम अपना मेन्यू ट्रेनर ओपन करके ऑब्जेक्ट स्पूनर में चले जाना है। इसके बाद मैनेज सेव्ड फाइल्स में जाकर फर्स्ट वाले फाइल पर एंटर कर लेना है। देन यहाँ पर तुमने जो भी नेम लिखना है वो लिख लेना है। मुझे GTA इंडिया मैंने लिख लिया है। अभी सिंपली सी बटन प्रेस करेंगे जैसे ये अपना फाइल सेव हो जाएगा। अभी दोस्तों अगर तुम अपनी गेम को रिस्टार्ट करते हो तो तुमने ऐसा करना है, अपना मेन्यू ट्रेनर ओपन करके ऑब्जेक्ट स्पूनर में जाना है। देन मैनेज सेव्ड फाइल्स में जाकर हमने जो फाइल सेव किया था ना, मैंने जैसे GTA इंडिया के नेम से सेव किया था, तो इसमें हम चले जाएंगे। इसके बाद लोड प्लेसमेंट्स पर एंटर करेंगे तो ये अपने जितने भी हमने नेम लिखे हैं ना लेटर्स वो स्पॉन हो जाएंगे। अदरवाइज अगर हमने सेव नहीं किया या लोड नहीं किया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। ओके, तो दोस्तों यही था आज का ट्यूटोरियल। अगर आपने अपनी गेम के ग्राफिक्स को मेरी तरह एनहांस करना है तो राइट वाली वीडियो में आ जाओ। बाकी अगर आपने टॉप 10 बेस्ट मोड्स देखने हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो में आ जाओ। मैं तुमसे वही मिलूँगा। बाई।